Hello everyone. Hello, I said hello. Hello. Hello, sabka. Hello, hello, hi. हाँ चलो बेटा शुरू करना अभी सब बैठ गए सब लोग सेटल हो गए ओके नहीं हो गए अब देखिए बेटा अभी सीपीटी मैथ्स में आज से हमें शुरू करना है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कैलकुलस बेसिकली कैलकुलस में तीन पार्ट है पहला पार्ट है डेरिवेटिव जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन सेकंड पार्ट है लिमिट एंड कंटिन्यूटी और तीसरा पार्ट है इंटीग्रेशन बट मुझे होता है ये सब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लिमिट ये नाम सुनने के बाद कैसे फील हो रहा है डर लग रहा है अच्छा लग रहा है नहीं समझ में आता कुछ फील ही नहीं होता बरे कि नहीं कितनों का डर लग गया क्यों डर बेटा कुछ भी नहीं आता है फिर टेंशन की बात क्या है देखो डर दो किस्म लगता है अपने को बरे कि नहीं एक तो अगर अपने को मतलब बहुत कुछ आता होगा या फिर अधूरा आता है बरे कि बेटा अगर आपको कुछ नहीं आता कोई डर की बातें नहीं है ओके और देखिए मैक्सिमम बच्चों में देखिए टॉपिक का डर क्या रहता है कि कई कुछ बार बेटा क्या होता है अपने दोस्तों ने ओके बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड ने ओके बेटा जो भी है होंगे अरे वो भी दोस्त होते रहे तो बेटा उन लोगों ने आपको बता रहा था कि भाई ये डेरिवेटिव जो होता है इंटीग्रेशन होता है बहुत खतरनाक रहते हैं इनके पल्ले नहीं पड़ने का बरे कि नहीं हाँ लेकिन बेटा सीपीटी के एग्जाम में अराउंड इन चैप्टर के ऊपर 7 से लेकर 8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और बेटा हम लोग 7 से लेकर 8 मार्क से कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते हाँ कि नहीं और बेसिकली होता है कि ये 7 से लेकर 8 मार्क का जो दर्द होता है वो वही बंदा समझ सकता है जो बंदा जिसका सीपीटी में स्कोर होगा 95, 96, 98 जिस बंदे को सीपीटी 98 मार्क है अगर आप डेरिवेटिव के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे 100 के पार पहुंच जाओगे सीपीटी बोले किसमें आओगे आईपीसी में जिसको 95 मिले होंगे अगर 5 मार्क भी आते उसको लगता है भैया अगर मैंने 5 मार्क का भी पढ़ लिया होता था आज मेरे लाइफ के 6 महीने बचते थे बोलेंगे बेटा तो अभी यहां पे हम लोग जो जमा हुए अपने लाइफ के कहीं ना कहीं 6 मंथ बचाने का जमा हुए तो यहां पे सबसे पहले चीज मैं बताना चाहूंगा आपको आपके दिल से डर निकाल दीजिए कि कैलकुलस डेरिवेटिव लिमिट ये कुछ डिफिकल्ट बातें अगले 10 दिन में मेरे आपसे प्रॉमिस ये बताया गया कि 10 दिन के अंदर आप डेरिवेटिव में मास्टर हो जाओगे पक्का बट अभी एक डेरिवेटिव में क्या क्या पढ़ने लगे बताता हूं मैं आपको तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव में जो नोट्स में जो क्वेश्चन है ओके वो हम डिस्कस करने वाले उसके बाद मैं आपको डेली आज नहीं सेकंड डे से लेकर मैं आपको डेली आपको आपका जो आईसीआई का जो मॉड्यूल है उसमें से टास्क दूंगा नोट्स में से हम क्वेश्चन कवर करेंगे आईसीआई के मॉड्यूल में से क्वेश्चन कवर करेंगे और उसके बाद जब चैप्टर खत्म होता है मैं आपका 4 आवर्स से एक सेशन लूंगा जिसमें हम लोग अब तक के एग्जाम में मतलब स्कैनर में जितने भी क्वेश्चन है बेटा वो हम कवर करेंगे और बेटा जहां तक तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग नोट्स के 70 क्वेश्चन कर लेते हैं मॉड्यूल के अगर हम लोग 50 क्वेश्चन कर लेते हैं और स्कैनर का अगर हम लोग 50 क्वेश्चन कर लेते तो अगर आप ऐसे 170 से लेकर 180 क्वेश्चन अगर सिर्फ अगर डेरिवेटिव करोगे मैं लिमिट की बात नहीं कर रहा लिमिट के अलग क्वेश्चन बेटा ठीक है ना अगर 170 क्वेश्चन कर लोगे उसके अलावा क्लास में प्रैक्टिस के 50 से लेकर 60 क्वेश्चन तो रहेंगे तो इतने 200 सवा 200 क्वेश्चन के बाद में अगर एग्जाम में सिर्फ डेरिवेटिव के ऊपर अगर 3 क्वेश्चन आते अटेम्प्ट कर पाओगे आप लोग पक्का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यस ओके थोड़े शॉर्ट में बस एक चीज ध्यान में रखिए रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करना है मुश्किल कुछ नहीं इस चैप्टर में फॉर्मूला कम है बस आपको एक ही चीज में आपको दिक्कत आएगी सिंप्लीफिकेशन में ओके उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस आपको रखना पड़ेगा आपको जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा आपको तो मैं थोड़ा सा सिलेबस की शुरुआत करते हैं अब लोग सर इतनी देर से हमको बता रहे हैं सर ये कैलकुलस होता है डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन होता है लेकिन सर होता क्या क्यों पढ़ना चाहिए हमको कोई बता सकता है हम तो कॉमर्स वाले बच्चे हमको डेरिवेटिव क्यों पढ़ना चाहिए कुछ काम नहीं इसके लिए सिलेबस में इसके लिए कोई बता सकता है मैथ्स के अलावा डेरिवेटिव का और कहीं भी यूज देखा आपने बेटा नहीं पढ़ा आपने देखो हाँ इकोनॉमिक्स में कहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहां पे डेरिवेटिव यूज क्या होता है
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? क्या होता है, किसको पता है? चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, सबको पता है? यस। तो क्या ना इसे इलास्टिसिटी हमको क्या बता रहा है? प्राइस में स्लाइट, मतलब थोड़ा सा चेंज होने से, प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है? प्राइस बढ़ने से आपकी डिमांड बढ़ रही है फिर घट रही है, ये आपको कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर बेटा आप नाप रहे होंगे तो क्या ना इसे, अगर यहां पे मैं डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर रहा हूं तो क्या ना इसे डेरिवेटिव का इस्तेमाल क्यों होता है? टू कैलकुलेट द चेंज, किसी भी चीज में कितना चेंज हो रहा है वो नापने के लिए क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। यस, डेरिवेटिव का सबसे बड़ा, और एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आप देखिए, जब कोई भी नहीं क्या बड़ी बड़ी कंपनियां बनेंगी, जब गाड़ियां लॉन्च करती है तो वहां पे आकर देखो ना, अभी बीच में एक मर्सिडीज की गाड़ी आई थी, लॉन्च हुई थी मर्सिडीज की गाड़ी। उन्हें बोला कि भैया हमारी गाड़ी कैसा है, आप पहले चार सेकंड में आप 100 किलोमीटर का स्पीड पकड़ सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या ना इसे, जैसे आपका टाइम, जैसे आपने 0 से लेकर 4 सेकंड तक आपने गाड़ी शुरू किया तो गाड़ी का स्पीडोमीटर कहां तक पहुंच गया? 100 तक। टाइम पहुंच गया 4 तक, स्पीडोमीटर पहुंच गया 100 तक। तो ये भी क्या बता रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन टाइम, स्पीड में कितना चेंज हो रहा है वो भी क्या आपका डेरिवेटिव है। सही आ रहा है क्या आपको? दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगा बेटा। बहुत बार क्या होता है, अगर आपने देखा होगा रस्ते से गाड़ी चला रहे हो, ओके, और कुछ बार क्या आता है रास्ता स्लोप है, मतलब रास्ता उतर जा रहा है, ओके, अगर उतर रहा है तो कुछ बार बेटा आप लोग गाड़ी बंद करते हो, ओके, अगर आपने बचपन कभी साइकिल पे चले बेटा, आपने साइकिल में कुछ बार क्या होता है, अगर उतार अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, साइकिल का पेडल मारना बंद करते हैं। हमको पता होता है हम पेडल नहीं भी मारेंगे, अगर थोड़ा सा भी पेडल को धक्का मार के छोड़ देंगे तो भी अपनी साइकिल आगे जाने वाले है। तो यहां पे हम जजमेंट लेते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर डालने से हम कितना डिस्टेंस आगे जा सकते हैं। व्हाट इज द चेंज इन द डिस्टेंस, व्हाट इज चेंज इन द स्पीड ड्यू टू द चेंज इन द प्रेशर, ये भी क्या आपका डेरिवेटिव। तो जहां पे भी एक चीज के कंपेयर में दूसरे का चेंज आप नापते हो वो भी क्या होता है डेरिवेटिव। बस समझ में आ रहे बेटा आपको पक्का? यस। तो ये तो समझ में आ चुका है कि डेरिवेटिव का पहला यूज क्या होता है, किसी भी चीज का चेंज कैलकुलेट करने के लिए। सेकंड यूज क्या होता है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ये जो बातें होती है इनका और एक बेटा यूज होता है। आपने बचपन में ऐसे कभी सम अपने सॉल्व किया क्या, कि जहां पे ट्रायंगल का एरिया निकालो स्क्वायर का, पढ़ा है? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल? क्या होता है हाफ ऑफ, क्या होता है, क्या होता है बेटा, बेस इंटू हाइट। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? लेंथ इंटू ब्रेड, सबको पता है? ओके, अब देखो मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। सपोज अगर बचपन में अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आपने देखा होगा तो वह ऐसा शेप आपको दिया रहता है, बोलेंगे इस चीज का एरिया निकालो। कभी इसे हम सॉल्व किए? कितनों को लगता है कि वो अभी भी कर सकते हैं? कोई बताए कैसे कर सकते हैं? यस मेरे भाई, बोल बिंदास। हाँ भूल गया, नहीं नहीं बस मेरा सवाल क्या, इसका एरिया कैसे निकाल, लॉजिक क्या चाहिए मुझे, मुझे आंसर नहीं चाहिए। यस बेटा, एरिया ऑफ, मुझे अभी रेक्टेंगल कहां पे दिख रहा है मेरे को? हाँ, तो एक काम कर, चलेगा यहां पे एक लाइन खींचो, चलेगा? यस, एक लाइन मैंने खींचा तो क्या ना इसे मैंने, मैं संग तो थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन मार के हम लोगों ने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, एक क्या हो गया ट्रायंगल, दूसरा क्या है रेक्टेंगल। कैन यू फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल? यस। कैन यू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एक बार दोनों का एरिया मिल गया, दोनों को जोड़ के पूरा एरिया मिल सकता है? यस। तो अभी मैंने क्या क्या पता है, क्या मैंने यहां पे एट अ टाइम मैंने इंटीग्रेशन भी किया और डेरिवेटिव भी किया, आपको पता भी नहीं चला, लेकिन मैं दोनों मैंने चीजें की है। मैंने क्या किया, पूरे एरिया को मैंने डिवाइड किया ट्रायंगल में और स्क्वायर में या रेक्टेंगल में। तो जहां पे
पूरी चीज को आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हो, जब पूरी चीज को आप छोटे छोटे पार्ट में बांटते हो, बांटना मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करना, समझ में आ बेटा आपको। तो जहां पे पूरी चीज को छोटे छोटे पार्ट में बांटते हो वो क्या होता है, डिफरेंशिएट मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। बांटना मतलब बेटा क्या होता है, डेरिवेटिव करना, छोटे छोटे पार्ट में बांटना। और पहले मैंने क्या किया, सबको छोटे पार्ट में बांटा, ट्रायंगल का एरिया निकाला, रेक्टेंगल का एरिया निकाला, फिर दोनों को मैंने क्या किया, कंबाइन किया। तो जहां पे सभी छोटी चीजों को कंबाइन करते, जहां पे सबको एक साथ जोड़ते, जहां पे सबको हम लोग इंटीग्रेट करते, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन। भाई समझ में आ रही है, एक साथ जोड़ना मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। छोटे छोटे पार्ट में बांटना मतलब क्या, कुछ मुश्किल है क्या? तो इसके बाद कोई आपको पूछेगा भैया डेरिवेटिव होता है क्या, तो आप सिंपली बोलोगे भैया बंटवारा करना मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, और सबको जोड़ना मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, 1947 में जो अंग्रेज लोग चले गए थे, ओके, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, आपने देश के बंटवारे किए थे, हाँ कि नहीं बेटा, तो उन्होंने क्या किया था, आपने देश के डेरिवेटिव किया था, बोले कि नहीं। और हमको करना है क्या, देश करना है क्या, इंटीग्रेशन, या और डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन करना ना, बोले कि नहीं। अब समझ में आ रहा है बेटा आपको, हाँ चलो। तो अभी ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या आपको? तो कैन आई से दैट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का एक यूज क्या होता है, टू फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अगर किसी भी चीज का एरिया निकाला है तो अब यूज क्या करोगे, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। अब देखिए ये तो बहुत सिंपल एरिया थे बेटा, कुछ बार क्या होता है, अगर आपको देखना है कि सपोज देखिए अगर कोई बंदा अगर सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, ओके बेटा आपने देखा हो ना, तो सिविल वाले लोग क्या करते, कभी रस्सी में देखा होगा आपने, वो कुछ तो नहीं कैसे एक रस्सी लेते, वो कुछ नहीं क्या, वो दूरबीन बीबीन लेके नहीं क्या, कुछ तो एरिया मेजर करता है, देखा आपने कभी अपने, तो उससे क्या करता था क्या, अगर आपको किसी भी फील्ड के एरिया नापना है, वो क्या कहते हैं, इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर में कितना डिस्टेंस है, उस कॉर्नर से लेकर वहां तक कितना डिस्टेंस है, वो लोग क्या कहते हैं, पूरे फील्ड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, और फिर ऐसा करके पूरे फील्ड का एरिया निकालते। ये सब करने के लिए वो हेल्प किसका लेते हैं, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन का। यह समझ मेरी बात आपको, ओके चलो बैक टू द कंसेप्ट, सॉरी। तो हम जो बात कर रहे थे अभी कैलकुलस की हम बात कर रहे थे, तो कैलकुलस के अपने टाइप क्या थे, डेरिवेटिव, जिसका और एक नाम बेटा क्या होता है, डिफरेंशिएशन, ओके, डेरिवेटिव मतलब ही क्या होता है, डिफरेंशिएशन, और सेकंड क्या होता है, इंटीग्रेशन। इसके यूज हमने डिस्कस कर लिए, आप देख सकते हो व्हाट इज डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव का पहला एप्लीकेशन क्या होता है, टू फाइंड एरिया ऑफ द फील्ड, किसी भी कॉम्प्लेक्स फील्ड का एरिया निकालने के लिए यू कैन फाइंड डेरिवेटिव, सॉरी यू कैन यूज डेरिवेटिव। टू फाइंड स्लोप ऑफ द कर्व, सपोज स्लोप का मतलब पता है क्या होता है, उतार, किसी भी रस्ते का कितना उतार है, रस्ता मतलब कितना झुका हुआ है, ओके बेटा उसका उतार कितना है, ये सब नापने के लिए, बिकॉज बेटा कॉमन सेंस की बात है, जितना होगा उतार, जितना क्या होगा स्लोप, उतना क्या होगा चेंज, आपका चेंज डिपेंड किस पे करता है, स्लोप के ऊपर। ये एग्जैक्टली स्लोप होता है क्या, मैं आगे आपको समझा दूंगा बेटा, बस अभी ध्यान में रखिए, स्लोप निकालने के लिए हम यूज क्या करते हैं, डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्या होता है, टू फाइंड इलास्टिसिटी, मतलब बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस, डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, किसी भी टाइप के चेंज के लिए हम यूज करते हैं डेरिवेटिव। इसका नेक्स्ट यूज क्या होता है, टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स यू हैविंग द मोशन, मतलब बेटा स्पीड, वेलोसिटी में पढ़ाया गया स्कूल में बेटा आपने, बोले कि नहीं बेटा, तो वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज होता है, स्पीड भी क्या होता है, चेंज, किसी भी टाइप का चेंज मेजर करने के लिए फिजिक्स में जितने भी मतलब मूवमेंट है, जैसे अगर आपको देखना है कि साउंड जा रहा है, ओके बेटा लाइट ट्रेवल कर रहा है, ये सभी के सभी, अगर देखो अगर आपको मतलब कोई भी आसमान में अगर कोई भी स्पेस शटल छोड़ना है, ओके तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भैया अगर आप स्पेस शटल छोड़ना है, देखिए वहां पे सबसे मेन चैलेंज टास्क क्या होता है, कि स्पेस शटल को आसमान में मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष में लेके जाना बहुत आसान होता है, वहां पे जाने में कोई टेंशन नहीं होता है, मेन टेंशन आता है कि आपने मतलब धरती के बाहर का जो एनवायरमेंट है ब्रिंग मेरे उसको क्रॉस करना, बिकॉज क्या होता है, जब मतलब धरती के बाहर का जो एनवायरमेंट है, जो नहीं कि अपना जो लेयर है नहीं उस जो भी बेटा सभी लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स होते हैं बेटा, उनको जब क्रॉस करें उस वक्त क्या होता है, जैसे वो स्पीड से जाएगा वहां बहुत सारा फ्रिक्शन क्रिएट होता है, वहां पे क्या होता है, हीट क्रिएट होता है, नहीं बेटा, तो वहां पे उनको देखना पड़ता है आप कितने स्पीड से जाओगे तो कितना हीट क्या होगा, क्रिएट होगा, व्हाट विल बी चेंज इन द टेम्परेचर बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। ये सभी चेंज के लिए हम क्या यूज करेंगे, डेरिवेटिव। बस सही बेटा, सभी फिजिक्स यूज क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, यस ओके।
अब देखिए अभी हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया डेट इससे माल ये होता है वो होता है, लेकिन बेटा इसमें से अभी मैथ्स में कुछ अपने काम का है क्या? नहीं है। सीपीटी में क्या आने उसके प्रॉब्लम आने वाले। अब हम डेरिवेटिव के सम हम लोग शुरू करेंगे। सम को शुरू करने के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि डेरिवेटिव का नोटेशन क्या होता है, उसे लिखते कैसे, वो दिखता कैसे। अब देखिए बेसिकली आप डेरिवेटिव लेते किसी भी फंक्शन का, मतलब सबको फंक्शन क्या होता है पता है नहीं पता है? फंक्शन का मतलब क्या है? फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला क्या होता है? फंक्शन। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, देखिए ये एक मेरे पास फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? एक्स का। यस, तो आई कैन राइट दिस एज एफ ऑफ एक्स। कैसे लिखोगे बेटा इसे मैं? एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स। एफ का मतलब क्या है? फंक्शन। ये किसका फंक्शन है? एक्स का। यस, एक्स के फंक्शन को एक तो आप एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो या फिर यू कैन राइट दिस एज अ वाई। यस, फंक्शन को एक तो हम क्या लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स, नहीं तो क्या होता है? वाई। अब देखिए फंक्शन का नाम अगर वाई होता है, फंक्शन का नाम क्या होता है? वाई, तो उसके डेरिवेटिव का नोटेशन क्या होता है, उसका चिन्ह क्या होता है? वाई के डेरिवेटिव का नोटेशन होता है डी वाई बाय डी एक्स। जिस बेटा नहीं दिख रहा बेटा, एक मिनट एक मिनट। ब्रेक में क्या हो रहा है इसको, हम यहां पे थे ना? नहीं बेटा एक मिनट, हो जाएगा हो जाएगा। कौन सा लू बोलो कलर? व्हाइट नहीं, व्हाइट तो इसमें नहीं आ रहा है। येलो लू, व्हाइट कैसे? हाँ क्या सेटिंग में? हाँ बढ़िया, एक नंबर। चलो अब देखिए बेटा, अगर फंक्शन का नाम अगर वाई होता, अभी दिख रहा है? ओके, वाई के डेरिवेटिव का नोटेशन क्या होता है? डी वाई बाय डी एक्स। इसे आप लोग कैसे पढ़ोगे? डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका डेरिवेटिव है? किसके रिस्पेक्टिव? एक्स। यस बेटा, अगर वही देखिए, फंक्शन का नाम अगर एफ ऑफ एक्स है तो उसके डेरिवेटिव का नोटेशन होता है एफ डैश एक्स। बस एक्स के ऊपर लाइन मारने, वो भी कैसी? टेढ़ी लाइन मारने बेटा आपको, एफ डैश एक्स। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर कोई पूछेगा फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, उसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव। कोई बोलेगा आपको फाइंड एफ डैश एक्स, का मतलब क्या है? डेरिवेटिव। फिर से मुझे बताओ वाई के डेरिवेटिव का नोटेशन क्या होता है? डी वाई बाय डी एक्स। एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का नोटेशन क्या है? एफ डैश एक्स। बेसिक नोटेशन क्लियर है बेटा आपको? यस। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। लेकिन डेरिवेटिव के फॉर्मूला पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। मतलब सबको पता है वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है? यस हाँ बोलो, कोई भी बोलो, दोनों भी चुप बैठ गए। हाँ बोल बोला। देख तीसरा वेरिएबल मतलब दीदी, हम लोग स्टैट्स नहीं पढ़ रहे बेटा, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे। एग्जाम्पल देना मुझे एकदम परफेक्ट। हाँ एकदम बड़ा परफेक्ट है। बरेगी देखिए, पांच सात आठ ये सब क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट। ए बी सी डी ये सब क्या है? वेरिएबल। ये स्कूल में पढ़ा है बेटा आपने? बढ़िया गुड, बच्चों ने पढ़ा ना? हाँ बड़े बोलता, सब बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना? ये सब बताता हूं। देखिए यहां पे अब तक हमने क्या पढ़ा है? ए बी सी सब क्या होते हैं? वेरिएबल। और बाकी नंबर क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट। बट याद रखिए डेरिवेटिव चैप्टर में, डेरिवेटिव चैप्टर में सिर्फ एक्स एंड वाई ये दो ही होते हैं वेरिएबल। सिर्फ एक्स और वाई क्या होता है? वेरिएबल। और बाकी सब क्या होते हैं? सिर्फ वेरिएबल कौन है? एक्स एंड वाई, बाकी सब। अब बताओ फाइव क्या है? एट क्या है? कॉन्स्टेंट। नाइन क्या है? कॉन्स्टेंट। एक्स क्या है? वाई क्या है?
ए क्या है? ये वेरिएबल। ए क्या है? कांस्टेंट है। बी क्या है? कांस्टेंट। सिर्फ एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल। बाकी सब याद रहेगा बेटा आपको पक्का। फिर से बताओ वेरिएबल कौन है, बाकी सब constant. आगे बढ़ू? ओके चलो, अगर बेसिक आपको समझ में आ चुका है, अब हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। अब बेटा अभी पूरा ध्यान देना आपके फॉर्मूला के लिए, कुछ लिखने का नहीं है। अब डेरिवेटिव के फॉर्मूला में हम सबसे पहले पढ़ने वाले इंडेक्स वाला फॉर्मूला एक्स रेश टू एन। बेटा मुझे बताओ, जिनको पता प्लीज मत बताए, बोलिए बेटा एक्स कौन है रे और एन क्या है? इसे वो टाइप वन बोलेंगे। ओके बेटा, तो टाइप वन में ऐसा इंडेक्स है जहां पे नीचे क्या आता है? वेरिएबल। और ऊपर क्या है? नीचे ऊपर। ओके जब भी नीचे वेरिएबल ऊपर कॉन्स्टेंट आएगा, इन दैट केस इंडेक्स को लीजिए बाहर, इंडेक्स को लीजिए बाहर और एक्चुअल इंडेक्स में से एक कम करना। ये फॉर्मूला है, क्या करोगे? जो भी इंडेक्स है उसको लीजिए बाहर और एक्चुअल में से कम कीजिए। मतलब क्या? मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, एक्स रेश टू फाइव। एक मिनट आराम से बेटा। नीचे कौन है? नीचे वेरिएबल, ऊपर क्या है? कॉन्स्टेंट। ये सब टाइप वन से मैच हो रहा है क्या? यस। ओके टाइप वन के लिए क्या करोगे? इंडेक्स को लीजिए बाहर, कौन है बेटा? पांच। इंडेक्स को लीजिए बाहर और एक्चुअल में से कम, फाइव माइनस वन फोर। अभी समझ में आ रहा है? पक्का। वन मोर एग्जाम्पल, एक्स रेश टू सेवन, बोलो क्या होगा? इंडेक्स को लिया बाहर, एक्चुअल में से कम, सेवन माइनस वन सिक्स। अब थोड़ा फास्ट बताओगे, बोलो एक्स क्यूब के लिए क्या आएगा? थ्री एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। फिर एक्स रेश टू फोर का क्या होगा? फोर एक्स रेश टू थ्री। किसको इसमें डाउट है? ब्रह तो बिंदा सभी हाथ ऊपर कीजिएगा, सब बेसिक चल रहा है अपना, इस पे आगे के सभी लेक्चर डिपेंड करते हैं। आगे बढ़ू? ओके वन मोर एग्जांपल, डिफिकल्टी बढ़ाता हूं। एक्स रेश टू माइनस फाइव क्या होगा? माइनस फाइव एक्स रेश टू माइनस फोर है माइनस सिक्स, बढ़िया। माइनस फाइव माइनस वन कितना हो गया? माइनस सिक्स। सबको समझा? एक कम करना ना आपको, माइनस फाइव माइनस वन क्या? माइनस सिक्स। सब इससे कंफर्टेबल है? इजी था, मुश्किल था? टाइम पास था, बढ़िया। चल आगे बढ़ते, टाइम पास पार्ट टू। अब सेकंड क्वेश्चन, हाँ ए रेश टू एक्स। अब बताओ नीचे क्या है, ऊपर क्या है? टाइप वन में वेरिएबल कहां पे था? टाइप वन में वेरिएबल नीचे था और कॉन्स्टेंट यहां पे, कॉन्स्टेंट वेरिएबल यस। अब देख यहां पे क्या करना चाहिए, जब नीचे आता है कॉन्स्टेंट, ऊपर आता है वेरिएबल, इस केस में कीप द इंडेक्स एज इट इज, कीप द इंडेक्स एज इट इज, टेक लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट, कौन है कॉन्स्टेंट? ए टू द बेस ई, कीप द इंडेक्स एज इट इज, टेक लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट टू द बेस ई। ई स्टैंडर्ड होता है बेटा, एक्चुअल में कैसे होता है कि लॉगरिथम में दो टाइप के बेस होते हैं, टेन और क्या होता है? ई होता है। जब आप लॉगरिथम चैप्टर के सम पढ़ोगे, हम बेस क्या लेंगे? टेन। और जब आप लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो बड़ा बेस क्या होता है? ई होता है। पर बेसिकली एक्चुअल में ई की वैल्यू होती है 2.7182, वो बाद में पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है ना? अभी छोड़ दो, आगे बढ़ चलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको, फाइव रेश टू एक्स, बोलो बेटा। अरे आराम से रुक, ये किससे मैच हो रहा है? टाइप वन है टाइप टू, पक्का। नीचे क्या है? ऊपर क्या है? नीचे कॉन्स्टेंट, ऊपर टाइप टू दिख रहा है। टाइप टू में क्या करोगे? कीप द इंडेक्स, कौन है? फाइव रेश टू एक्स, टेक लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट टू द बेस। खेल खत्म। इजी है, मुश्किल है? टाइम पास कट। अब बोलो बेटा, सेवन रेश टू एक्स का क्या होगा? बोलो बेटा, सेवन रेश टू एक्स लॉग सेवन टू द बेस ई, बढ़िया। अब थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करने जा रहा क्वेश्चन,
ई रेश टू एक्स का क्या होगा? ई रेश टू एक्स इंटू लॉग कॉन्स्टेंट कौन है? लॉग ई टू द बेस। अब जिनको लॉगरिथम आता है कोई बता पाएगा लॉग ई टू द बेस ई कितना होता है? वन। वेरी गुड। लॉग ऑफ अ नंबर टू द बेस सेम नंबर कितना होता है? वन। तो लॉग ई टू द बेस ई कितना है? वन। अब बताओ ई रेश टू एक्स इंटू वन कितना आएगा? ई रेश टू एक्स। खेल खत्म। समझा? तो क्या ना इसे ई रेश टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ये अपना बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला है जो बाकी डिस्कस करने वाले। क्या होता है? ई रेश टू एक्स हो गया। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूंगा कोई बता सकता है एक्स स्क्वायर किससे मैच हो रहा है? टाइप वन या टाइप टू? नीचे वेरिएबल ऊपर, नीचे वेरिएबल ऊपर, टाइप कैसे करोगे? इंडेक्स को लीजिए बाहर एक्चुअल में से कम टू माइनस वन। बोलो एक्स रेश टू वन कितना है? एक्स। तो क्या होगा? टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? टू एक्स। यहां तक कोई कंफ्यूजन है बेटा आपको? एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से मुझे आता हूं। वाई के डेरिवेटिव का नोटेशन क्या होता है? डी वाई बाय डी एक्स। और एफ ऑफ एक्स का क्या होता है? एफ डैश एक्स। यस। फिर मुझे बताइए डेरिवेटिव चैप्टर में वेरिएबल कौन होते हैं? एक्स एंड वाई, बाकी सब कॉन्स्टेंट। ओके यस। फॉर्मूला टाइप वन में एक्स रेश टू एन क्या डेरिवेटिव है? एन इंटू एक्स रेश टू एन माइनस वन। ए रेश टू एक्स का क्या होता है? ए रेश टू एक्स इंटू लॉग ई, सॉरी ए टू द बेस ई। ई रेश टू एक्स का एक्स स्क्वायर का सबको याद हो गया? आगे बढ़ू? चलो अब यहां तक के बेटा फॉर्मूला में थोड़ा सा लॉजिक था, आगे के फॉर्मूला आपको रट्टा मारने पड़ेंगे। ओके याद हो जाएगा। अब देखिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स। क्या होता है? वन अपॉन एक्स। अब बताओ लॉग एक्स का अगर वन अपॉन एक्स है तो वन अपॉन एक्स का क्या है? वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स नहीं होता है, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके फिर से बताओ लॉग एक्स का क्या होता है? वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। बढ़िया। एक्स का डेरिवेटिव एक्स का होता है वन, एक्स का वन। रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स। यस। कोई कंफ्यूजन इसमें? बस याद करना है बेटा आपको। और सबसे लास्ट में अगर एक्स नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं है, अब तक के समय एक तो एक्स नीचे था ऊपर था रूट के अंदर था लॉग एक्स था, कहीं ना कहीं तो एक्स था, बट क्वेश्चन में अगर एक्स आता ही नहीं है सिर्फ होता है कॉन्स्टेंट, सिर्फ क्या होता है? कॉन्स्टेंट। तो सिर्फ कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। बट कॉन्स्टेंट के लिए क्या होता है? जीरो। बात समझ में आ रही है? पक्का। अब एक काम करो ये जितने भी फॉर्मूले लिखना नहीं लिखे पर निगाह फेर इनको बेटा। टाइम दूंगा, रुको रुको टाइम देता बेटा। चलो लिखा, सॉरी पढ़ा, पढ़ लिया बेटा। अब बताओगे देख के बिना देखे? बिना देखे। चलो अब सब यहां पे देखो। ओके सबका ध्यान है? नो चीटिंग। हाँ बोलो बेटा एक्स रेश टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एन एक्स रेश टू एन माइनस वन। ए रेश टू एक्स का ए रेश टू एक्स लॉग ए टू द बेस ई। ई रेश टू एक्स का ई रेश टू एक्स। एक्स स्क्वायर का 2x, log x का 1 upon x, 1 upon x का minus 1 upon x square, root x का 1 upon 2 root x, 1 upon x का minus 1 upon x square, x का 1, constant का? अब थोड़ा fast पूछू? चलो, x raise to n का? n x raise to n minus 1, root x का? 1 upon 2 root x, x square का? रट्टा नहीं मारना है, बड़े की नहीं, सीक्वेंस कुछ भी रहेगा। x का log x का 1 बाय x, x का कॉन्स्टेंट का
रूट एक्स का, वन बाय टू रूट एक्स, एक्स स्क्वायर का, ई रेस टू एक्स का, ए रेस टू एक्स का, ए रेस टू एक्स लॉग ए टू द बेस ई। चलो थोड़ा बहुत याद हो गया बेटा आपको, ठीक है अब लिख लो इसको। बस ये लेफ्ट वाला पार्ट आपको लिखना है, राइट वाला एग्जाम्पल मत लिखिए, बस ओनली फॉर्मूला आपको लिखना है। डेरिवेटिव चैप्टर में सिर्फ इतने फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, पूरा के लिए निकाय। क्या हो गया? सीपीटी में ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट नहीं है, आपके लिए खुशखबर है, साइन कॉस कुछ नहीं है, ओनली अलजेब्रिक पार्ट है। मैं वही बोल रहा था, डेटा बहुत इजी है। खुश झाले एकदम तू, साइन कॉस नाही म्हणून चलो हो गया लिख के। जस इतने ही, बस इन्हीं को हमें यूज करना है अपने को, हो गया। चलिए किसका लिखना बाकी है? चलो आगे बढ़ते हम लोग, चलो अभी नेक्स्ट। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब क्या देखे बेटा, डेरिवेटिव बेटा अब तक हमने जितने भी सम पढ़े, ओके अब तक हमने बेसिक हमने फॉर्मूला पढ़े, बेटा प्लीज बातें नहीं, अब तक के फॉर्मूला, अब तक हम लोगों ने सिंगल सिंगल फॉर्मूला पढ़े, अब ऐसे सम पढ़ना जहां पे ये सभी फॉर्मूला जुड़े हो सकते, एक तो प्लस से नहीं तो माइनस से, मतलब क्या देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बताइए यहां पे कितने फंक्शन है, एक दो तीन चार पांच, इन सबके बीच क्या है? अब मेरी बात हमेशा देखिए, भले फंक्शन के बीच प्लस है या फिर माइनस है, भले बीच में प्लस है फिर माइनस है, सिंपली सॉल्व देम सेपरेटली। क्या करोगे? सॉल्व देम सेपरेटली, हर एक का अलग अलग से निकालो डेरिवेटिव, मतलब क्या देखिए, सुनो बेटा, जो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx, ये लिखने का तरीका है, हमेशा लिखना मतलब लिखना है, आगे पांच फंक्शन है, बीच में क्या है प्लस, सॉल्व देम सेपरेटली, हर एक का अलग अलग से निकालो डेरिवेटिव। बताओ बेटा log x का क्या रूप, वन अपॉन एक्स, एक्स रेस टू सेवन का क्या होगा, सेवन एक्स रेस टू सिक्स, थोड़ा आराम चलते, log x का ये किससे मैच था, एक्स रेस टू एन, याद आ रहा है क्या, इंडेक्स को लिया बाहर एक्चुअल में से कम, फोर रेस टू एक्स किससे मैच हो रहा है, ए रेस टू एक्स से, क्या है, फोर रेस टू एक्स लॉग फोर टू द बेस ई, ई रेस टू एक्स का, और ट्वेल्व क्या है,
कांस्टेंट और कांस्टेंट का जीरो, बीच में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। कुछ मुश्किल है करे बेटा, सिंपली सॉल्व देम सेपरेटली, खत्म हो गया सम। हाँ हो गया और क्या, कुछ नहीं बेटा, सिंपलीफाई करना अभी सीखना नहीं हमको, बस अभी हमको डेरिवेटिव निकालना सीखना है। इजी था या मुश्किल था? टाइम पास था। चलो अब नेक्स्ट कर रहा टाइम पास, क्वेश्चन नंबर टू। चलिए बोलो बेटा, अरे रुको रुको टाइम दूंगा लिखने के लिए। y का डेरिवेटिव क्या होता है? डी वाई बाय डी एक्स। अब बताओ यहां पे कितने फंक्शन है? छह है, सात की दस छह है ना रे, एक दो तीन चार पांच, क्या छह फंक्शन है। बीच में क्या है? प्लस और माइनस, प्लस माइनस के लिए सॉल्व देम, हर एक का अलग अलग से निकालो डेरिवेटिव। बोलो रूट एक्स का वन बाय टू रूट एक्स, एक्स रेस टू एट का एट, एक्स रेस टू सेवन, थ्री रेस टू एक्स का थ्री रेस टू एक्स लॉग थ्री टू द बेस ई, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और सेवन का बढ़िया है, बीच में प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, जो भी साइन है वो चिपकाने का। हाँ चिपक गया, ठीक है ना। हाँ सबको समझ में आ रहा है बेटा आपको? इजी था या मुश्किल था? चलो कुछ टाइम पास तुम लोग करोगे। चलो बेटा आपके पास अभी तीन टाइम का सम मौका है, क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन फोर एंड क्वेश्चन फाइव, ये तीनों आप लोग ट्राई करोगे। समझ के करो, नहीं तो पूछिए, ठीक है ना। ऐसा मुझे बाकी सबको आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, कैसे पूछूं? प्ले के एक फॉर्मूला बेस परफेक्ट कीजिए। रूट एक्स माइनस एक्स रेस टू फाइव प्लस फाइव रेस टू एक्स प्लस फाइव रेस टू फाइव प्लस वन बाय सेवन माइनस सेवन। मुझे कुछ नहीं आता बेटा, अभी ट्राई करो, ट्राई कोशिश करो, बोलता मैं। चलो बेटा हो गया सबका? yes. किसका बाकी है? ठीक है कर करो। बोलिए बेटा क्वेश्चन थ्री का आंसर क्या रहा है?
एक मिनट, 1/2 root x हाँ प्लस e^x माइनस 5^x लॉग 5 to the base e^x का e^x और इसका कितनों का ये सेम आ रहा है? गुड, वेरी गुड। किसने घपला किया? घपला किया, सबका सही आ रहा है बेटा, बढ़िया। अब क्वेश्चन 4 में एक बार मुझे बताओ रूट एक्स का क्या रहा है? बढ़िया, x^5 का 5x^4, 5^x का 5^x log 5 to the base e। अब बताओ 5^5 का क्या लिया? कितनों ने जीरो लिए, कितनों ने अलग किए, क्या किया? 25। अब ये 5 × 5 होता है रे, 5^5 25 कैसे होता है मेरे भाई? और वैसे मुझे बता 25 पर कुछ भी हो, देख 5 क्या है? कॉन्स्टेंट। ऊपर का 5 भी क्या है? कॉन्स्टेंट। सब कुछ क्या है? कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट क्या होता है? जीरो। समझ में आ रहा है? 1/7 का कॉन्स्टेंट है जीरो, 7 का खत्म। कितनों का पूरा सही आ रहा था? बढ़िया, वेरी गुड। जिन्हें घपला क्या गलती समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्वेश्चन 5, लॉग एक्स का इसका बोलो अभी क्या होगा? -7x^-8 सही है। नेक्स्ट 3^x log 3 to the base e, फिर e^x और इसका कितना बड़ा? इसका -1/m² किया किसी ने? किया पक्का? जीरो क्या क्या? 1 क्या है? कॉन्स्टेंट। m क्या है? सब कुछ क्या है? कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट का जीरो। खेल खत्म। कोई दिक्कत है? इजी लग रहा है, टाइम पास है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बेटा सबका, गुड। ठीक है ना? तो अब तक हमने क्या देखा? अगर फंक्शन के बीच अगर प्लस और माइनस आता है तो सॉल्व कैसे करते है? प्लस माइनस के लिए क्या सॉल्व देम सेपरेटली। अब हमको डिस्कस करना है फंक्शन के बीच अगर मल्टीप्लीकेशन आता है तो सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने, यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव। बोलो वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? कितने फंक्शन है रे? बीच में क्या? एक काम करो, दोनों का अलग अलग से निकालता हूं मैं डेरिवेटिव और बीच में मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं चलेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आपने सेपरेटली सॉल्व किया था, बट मल्टीप्लीकेशन के लिए ऐसा नहीं चलेगा। मल्टीप्लीकेशन में हमको यूज करना है पड़ेगा एक रूल जिसका नाम होता है u(v) रूल। अब रूल क्या बोलता है? देखिए, अगर आपके पास u और v नाम के दो फंक्शन है, y अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, धन जी बेटा, मल्टीप्लीकेशन रूल क्या बोलता है? इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एट अ टाइम किसी एक का निकालो डेरिवेटिव। क्या करोगे? एट अ टाइम किसी एक का डेरिवेटिव। अगर फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालते हो, सेकंड को हाथ नहीं लगाने का, शान बैठने का, ओके? सेकंड का डेरिवेटिव निकालते हो, फर्स्ट को हाथ लगाने का नहीं है। बात समझ आ रही बेटा आपको? एट अ टाइम किसी एक का निकालो डेरिवेटिव, मतलब क्या? बोलो बेटा, वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? डीवाई बाय डीएक्स। गुड, चलो मल्टीप्लाई में एट अ टाइम किसी एक का डेरिवेटिव, अगर आप फर्स्ट का निकालते हो डेरिवेटिव, उस वक्त सेकंड पार्ट में डीयू बाय डीएक्स का मतलब क्या है? यू मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव। अगर फर्स्ट का निकालते हो डेरिवेटिव तो सेकंड पार्ट, अगली बार सेकंड का निकालो उस वक्त क्या होगा? फर्स्ट पार्ट, बीच में क्या होगा? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? फर्स्ट का निकालो डेरिवेटिव सेकंड पार्ट, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट पार्ट, बीच में क्या? प्लस। इट इज फॉर्मूला फॉर u(v)। सबको समझ में आ रहा है बेटा आपको? अब इसके ऊपर एक कुछ क्वेश्चन देके पूरा समझेगा, फिर से बताओ u(v) में क्या होता है? फर्स्ट का सेकंड पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, बीच में। क्वेश्चन में करके बताता हूं आपको।
बोलो बेटा कितने फंक्शन है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, डायरेक्ट करो या यू इनटू वी से, फर्स्ट का जल्दी बोलो, बोलो रूट एक्स का क्या होगा, वन अपॉन टू रूट एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव, उसका सेकंड पार्ट, सेकंड का बोलो एक्स रेज टू एट का क्या होगा, एट एक्स रेज टू सेवन, उस वक्त फर्स्ट पार्ट और बीच में, फिर से बोलता हूं, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड पार्ट, सेकंड का डेरिवेटिव, उस वक्त फर्स्ट पार्ट और बीच में क्या है, प्लस, खेल खत्म। किसको दिक्कत है इसमें, रिपीट को रख ले रहे, सबको समझ में आ रहा है बेटा आपको, श्योरली। वन मोर एग्जाम्पल, ये मैं करके बताऊं फिर अगले सम आपको खुद से करने। कितने फंक्शन है, बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, कैसे, यू इंटू वी, फर्स्ट का एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तब सेकंड पार्ट, सेकंड का लॉग एक्स का क्या होगा, वन अपॉन एक्स, तो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड पार्ट एज इट इज, सेकंड का लॉग एक्स का था वन अपॉन एक्स, उस वक्त फर्स्ट पार्ट एज इट इज, बीच में प्लस। किसको नहीं समझा, किसको रिपीट चाहिए, पक्का क्लियर बेटा आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलो कुछ सम खुद से करोगे, तो पहले फॉर्मूला लिख लोगे आप लोग, एक काम करो ये पहले फॉर्मूला कॉपी करके लो, नहीं टाइप कुछ नहीं बेटा इसमें, बस फॉर्मूला लिखना है, चलता है। यार पहले किसी ने अगर गलती से अगर पहले सेकंड रेडियो निकाला बाद में फर्स्ट का निकाल तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज बीच में क्या प्लस साइन है, देखो टू प्लस फाइव कितना आता है सेवन, और फाइव प्लस टू कितना आता है सेवन, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, बस माइनस में नहीं करना ऐसा, ठीक है ना, प्लस में चलता है, क्या बोल रहे हैं, कितना होशियार है, आगे बढ़ू, चलिए अभी आपके सामने चार क्वेश्चन है, फटाफट ट्राई कीजिए चार क्वेश्चन, देखते कौन सबसे पहले कर लेता है, इसके चारों भी हो गए, बढ़िया, और बाकी लोग बेटा कहाँ तक पहुंच गए, थर्ड चल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें, हाँ।
द फर्स्ट का ये आंसर आर का देख लो बेटा, 1/√x (x^5) प्लस √x (5x^4) सबका सेम आ रहा है, किसका नहीं मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है। बोलो अगले का कुछ आंसर क्या रहा है, 1/√x (e^x) प्लस √x (e^x) मैच हो रहा है बेटा, बढ़िया। उसके अगले का देखो, -1/(x^2) (x^3) प्लस 1/(x)(3x^2) मैच हो रहा है, किसका नहीं मैच हो रहा है। और उसके अगले का 1/(2√x)(log x) प्लस √x(1/x) किसके चारों भी मैच हो रहे हैं, बढ़िया है, वेरी गुड। किसे चारों में भी घपला किया, कोई नहीं ना, सबका सही आ रहा है, गुड। हाँ बोलो मेरे, चलता कोई दिक्कत नहीं रे, अपना जैसा कुछ, ठीक है ना। हाँ चलो आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन इजी लगे टफ लगे, टाइम पास थे, चलो अब टाइम पास बहुत हो गया, डिवीजन बाद में करते हैं। उसके पहले ना मैं कुछ आपको और फंडे बताता हूँ, चलो तो अभी पिन चेंज करना पड़ेगा ना अपने को, वाइट पे वाइट दिखेगा नहीं, किससे करो बोलो, ब्लैक से मिक्स, चलो ब्लैक करते, ब्लैक अच्छा रहता है। चलो बेटा अभी सुनो, अब मैं आपको एक काम करता हूं, मैं तीन एग्जांपल और देता हूं आपको, कोशिश करोगे? हाँ नहीं, जो भी आपके सामने आएगा वो ट्राई करने का, पूछने का नहीं है। ये पहला एग्जांपल है, पहला एग्जाम्पल है (x^2)log x है, दूसरा है (10)√x है, और तीसरा है (12)log x है, देखते कितने लोग सही कर लेते हैं। यस कौन सा बेटा, फर्स्ट में (x^2) है बेटा, वो (x^2)log x है, नहीं बस ओनली यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव। सिंपलीफाई कैसे करना आपको डिपेंड करता है, क्या तो भी चलेगा, नहीं क्या तो भी चलेगा, हो गया कट। चलो बेटा आ रहा है, कितनों के तीनों हो चुके, बढ़िया है। अब मुझे बताओ बेटा फर्स्ट का क्या रहा, बताओ, सुनो, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड पार्ट एज इट इज, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सॉरी ऐसे क्या नाम बेटा, सबने सबका सही आ रहा है। बस मुझे बताओ ये सेकंड क्वेश्चन का एक बार देख लो बेटा, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दे रहे, फर्स्ट का डेरिवेटिव 10 का क्या रहा है, तब सेकंड पार्ट सेकंड का गड़बड़ हो गया मेरे से, सॉरी सॉरी, एक मिनट बेटा, एक मिनट, कुछ
क्वेश्चन ही उधर है, ठीक है ना, सेकंड का डेरिवेटिव तो फर्स्ट पार्ट और बीच में क्या है प्लस, सबका सेम आ रहा है पक्का बेटा, बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, सुनिए, हमने क्या किया, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड पार्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट पार्ट, ऐसे हमने किया, यस। अब बेटा सुनो, अरे मैंने किया ऐसा, ठीक है, तुमने नहीं किया। अब देखो बेटा, आपको पता है कि जीरो इंटू रूट एक्स क्या होता है, तो अल्टीमेटली ये तो पार्ट कैंसिल होता है, यस बेटा, बराबर। तो क्या ना इसे यहां पे क्या बचेगा, टेन इंटू क्या बचेगा, वन अपॉन टू रूट एक्स बचेगा, हा या ना? नहीं, अरे इतना बैग नहीं जाने का, रुक जा। जीरो इंटू रूट एक्स क्या होता है, जीरो, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, यहां पे क्या बचेगा, टेन इंटू वन अपॉन टू रूट एक्स, यस, कोई शक है? अब इसको मैं एक शॉर्टकट वैसे करके बताऊ, गौर कीजिए, अब तक के सब में भी u इंटू वी था, यहां पे भी u इंटू वी है, बस एक फर्क है, अब तक के सब में दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन था, किसका था बेटा, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन था, बट इस क्वेश्चन में एक तो फंक्शन है बट दूसरा क्या है, कॉन्स्टेंट है, बस सही बात है। अब तक के सब में आपने दो फंक्शन का मल्टीप्लाई सीखा था, बट यहां पे एक क्या है, फंक्शन है, और दूसरा क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब देखिए, एक अगर आता है फंक्शन और एक आता है कॉन्स्टेंट, इसको टैकल कैसे करना चाहिए, अब सुनिए, मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं। बट देखिए, कॉन्स्टेंट को अगर आपको डील करना ना, मैक्सिमम जो बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं सिंपली बताऊंगा, अगर कॉन्स्टेंट से आपको डील करना है, इमेजिन करो आप झगड़ा करने जा रहे हो, ओके, झगड़ा, हाँ, मारने के दम, ठीक है ना, हाँ। अब सपोज देखिए, पांच अपना कॉन्स्टेंट है, प्लस सब इमेजिन करो, आप अगर अपने क्लास से बिल्डर को, क्या नाम है इसका, नहीं नहीं वो बहुत ज्यादा बिल्डर है, इतना नीचे, इसका नाम क्या, ओंकार, ओंकार अपने क्लास का एकदम बॉडी बिल्डर है, ठीक है ना, काड़ी पहलवान, ठीक है ना, हाँ। अब सोचो, ओंकार अकेला झगड़ा करने के लिए गया, क्या होगा, क्या लगता है आपको, खत्म, सामने लो ओंकार खत्म हो जाएगा, खेल खत्म ना, हाँ हाँ, अरे उस बार मिलेंगे। अब देखो बेटा, अभी ओंकार अगर बताया क्या, अकेला झगड़ा करने गया, कहानी खत्म हो जाएगी उसकी, तो उसी तरह से कॉन्स्टेंट अगर अकेला आता है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, खत्म कर दो उसको, अकेला है तो खत्म, मार देना उसको। सपोज अब ओंकार क्या करता है, अकेला नहीं जाता है, वो अपने साथ धनुष को जाता है, अब क्या होगा, पब्लिक क्या करेगी, ओंकार को छोड़ेगी, इसको पीटेंगे, हाँ कि नहीं बेटा। तो उसी तरह से क्या होता है, कॉन्स्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ में जाता है, हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट को छोड़ेंगे और फंक्शन को धोएंगे, हाँ कि बेटा, कॉन्स्टेंट को छोड़ो, फंक्शन का क्या निकालो, डेरिवेटिव, लॉग एक्स का क्या होगा, वन अपॉन एक्स, कहानी समझ में आ रही बेटा आपको। तो कॉन्स्टेंट अगर अकेला जाएगा, डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, खत्म, ओके। और किसी के साथ में गया, कीप द कॉन्स्टेंट एज इट इज, टेक डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, सबको समझ में आ रहा है। अगर ये सेम फंडा अगर मैं यहां पे अपनाना चाहूंगा, मेरे सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया था, वाई इज इक्वल टू टेन रूट एक्स था, यस, हम शॉर्टकट से निकालने जा रहे डेरिवेटिव, आप बताओ टेन क्या है, अबे टेन कॉन्स्टेंट है, टेन टेन है, मुझे भी पता है, ओके, टेन क्या है, कॉन्स्टेंट है, अकेला आ रहा है साथ में, मारना है छोड़ना है, अबे छोड़ना है ना उसको, टेन को साथ में आ रहा है, ठीक है ना, हाँ, टेन साथ में आ रहा है, ओके, कीप द कॉन्स्टेंट, टेक डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, रूट एक्स का क्या है, वन अपॉन टू रूट एक्स, अब बताओ हमने पहले बहन से वही निकाला था क्या, समझा बेटा आपको, तो आंसर क्या है, सेम है, कोई शक इसमें आपको, पक्का, ये कहानी समझ में आ रही बेटा आपको। अब लोग क्या पढ़ रहे, एक कॉन्स्टेंट और एक फंक्शन की कहानी। अब क्वेश्चन थ्री की बात करते हैं, अब क्वेश्चन थ्री को भी मैं शॉर्टकट से करके बता रहा हूं, अब बताओ ट्वेल्व क्या है, अकेला आ रहा है साथ में, मारना है छोड़ना है, छोड़ देना है, ओके, कीप द कॉन्स्टेंट, लॉग एक्स का क्या होगा, वन अपॉन एक्स, खेल खत्म, कोई दिक्कत है, श्योरली, यस।
पर ये अगर आपको समझा होगा, मैं इसमें कुछ बेटा थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन बताना चाहूंगा मैं आपको। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा बोला है वाई इज इक्वल टू 5x² + 7x - 8, ओके यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव। बोलो वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? dy/dx। यहां पे कितने फंक्शन है? बीच में क्या है? प्लस और माइनस। प्लस माइनस के लिए सॉल्व देम सेपरेटली, बढ़िया। अब बता 5 क्या है? अकेला रहा है साथ में, मारना है छोड़ना है? बढ़िया। कीप द, मैं मारू मत बे, ठीक है ना, कीप द कॉन्स्टेंट। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। 7 कॉन्स्टेंट एज इट इज, x का क्या होगा? लेकिन 8 कैसा है? अकेला, तो क्या करना है? मारना है, जीरो, खत्म। कैन आई सिंप्लीफाई दिस? बोलो 5 × 2 = 10x, 7 × 1 = 7। जीरो को नहीं लिखा तो भी चलेगा। सबको समझ में आ रहा है बेटा? वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट करना है। यस, इसके बाद फिर दो क्वेश्चन आप लोग करोगे। बोलो वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव। बोलो 8 कॉन्स्टेंट, जल्दी बोलो एज इट इज, x³ का 3x², 7 कॉन्स्टेंट एज इट इज, x² का और 12 का क्या होगा? 24x² - 14x, खत्म। जीरो नहीं लिखा तो भी चलेगा। सभी से बेटा कंफर्टेबल है? पक्का। कुछ सम खुद से करना चाहोगे? यस। या बेटा 6x³ है। चलिए तीन क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट ट्राई कीजिए। बाकी सब कॉन्स्टेंट का फंडा सबको समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं इसमें? गुड। चलो बेटा हो गया। yes, कितनों के? तीन हो चुके हैं, बढ़िया। बाकी लोग कितने बाकी हैं? एक बाकी। करो करो, कोई दिक्कत नहीं। और ना सिंप्लीफाई भी कर रहे हो ना, मल्टीप्लाई भी कर रहे हो ना आप लोग? हाँ। पर लास्ट में क्या करना पता है क्या? क्वेश्चन 5x² - 8x + 7 है, वहां पे क्या बोला है? यू हैव टू फाइंड dy/dx एट x = 2। इट मीन्स फर्स्ट फाइंड डेरिवेटिव, देन पुट x = 2। पहले डेरिवेटिव निकालो, बाद में वैल्यू पुट करो। पहले वैल्यू पुट मत करना रे, कर पहले वैल्यू पुट किया सब कुछ क्या आएगा? कॉन्स्टेंट, और डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। इसे फर्स्ट फाइंड डेरिवेटिव और बाद में वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट का आंसर क्या रहा है बेटा आपका?
After simplification, क्या रहा है? 18x square minus 18x plus 12. सबका same आ रहा है? कितनों का same आ रहा है? बढ़िया. किसका नहीं match हो रहा है? नहीं आ रहा बेटा? तो हाथ नीचे करना. हाँ. चौदह. देखो अभी question number two. बोलो क्या रहा बेटा? 21 x raised to 6 minus 8 खत्म. ये कुछ नहीं बढ़ा गया. सबका मैच हो रहा है? किसका नहीं आ रहा है? मैच हो रहा है? क्या हो गया बेटा? गड़बड़ किया? देखो चेक करो. देखो 3 कांस्टेंट एज इट इज है. यस. x raised to 7 का आपने क्या किया होगा? 7 x raised to 6 किया. 8 कांस्टेंट एज इट इज. x का 1 क्या और 5 का क्या हो गया? 0. सही क्या है? बराबर है. देखो इसके बाद क्या, सिंपली मल्टीप्लाई करो. 3 इंटू 7 कितना आता है? 21 आ गया. और 8 इंटू 1 कितना? 8 है. 6 का बेटा वो तो इंडेक्स में ना, उसे क्या करने का बेटा? वो तो इंडेक्स कुछ नहीं करना बेटा. 3 इंटू 7 21 और ऊपर का जो x रेज टू 6 है वो रुको एज इट इज. इंडेक्स से कभी मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है. ओके सबको समझ में आ रहा है बेटा? और बताओ क्वेश्चन. एक मिनट बेटा मुझे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका डेरिवेटिव क्या आ रहा है बताओ? 10x माइनस 8 आ रहा है. उसमें x की वैल्यू क्या पुट किए? 2. आंसर क्या रहा है? पक्का? x को 2 रखा. 10 इंटू 2 कितना आ रहा है? 20. माइनस 8 कितना आ रहा है? 12. सबका मैच हो रहा है? पक्का? इजी है मुश्किल? टाइम पास है. बढ़िया चलो. हाँ बेटा बेसिक लास्ट में कंसेप्ट समझा दो मैं आपको इसमें बेटा. अब तो यस बेटा. नहीं 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 बेटा देखो सुनो सुनो. आप कौन सा बोल रहे हो? एक मिनट रिपीट. ये वाली स्टेप बोल रहे हो, नीचे स्टेप बोल रहे हो? क्वेश्चन 2 में इसकी बात करो, माइनस 8 की बात कर रहे हो मतलब? नहीं कौन सा 8 बोल रहे हो? देखो ये वाले 8 की आप बात कर रहे हो या नीचे वाले 8 की बात? नीचे वाले. लेकिन बेटा क्या होता है, ये डेरिवेटिव लेने के बाद ये स्टेप आ चुकी है. समझ में आ रहा है क्या? तो फिर से डेरिवेटिव क्यों ले रहे हो? हम डेरिवेटिव इस चीज का ले रहे हैं. समझ में आ रहा बेटा? देखो हम लोग है ना इस चीज का डेरिवेटिव ले रहे हैं. यहां पे जो माइनस 8 है वो अकेला आ रहा है, साथ में आ रहा है एक्स के साथ में आ रहा है. तो कीप दिस 8 एज इट इज. एक्स का क्या हो जाएगा? 1. यस समझ में आ रहा है? तो 8 इंटू 1 क्या होगा? 8. एक बार आपने डेरिवेटिव लिया उसके बाद फिर से आपको आगे उसे कुछ भी काम नहीं है. आप क्या कर रहे हो, वो 8 जो अकेला हो चुका है उसे फिर से डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करो बेटा. आप डेरिवेटिव निकाल चुके, फिर से निकालने जरूरत नहीं है. यस सबको समझ में आ रहा है बेटा आपको? चले बस एक शॉर्ट में कंसेप्ट बताता हूं आपको. अब तक के समय क्या बोला गया था? फाइंड डीवाई बाय डीएक्स. समटाइम क्वेश्चन में आपको बोलेंगे फाइंड स्लोप या फिर बोलेंगे फाइंड ग्रेडियंट. फाइंड क्या बोलेंगे? स्लोप या फिर फाइंड ग्रेडियंट. बट अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्लोप ये किसका एप्लीकेशन है? डेरिवेटिव का. अगर कोई बोलेगा फाइंड स्लोप तो क्या निकालोगे? डेरिवेटिव. कोई बोलेगा फाइंड ग्रेडियंट तो क्या निकालोगे? बेटा ग्रेडियंट का मतलब भी क्या होता है? स्लोप. दोनों का मतलब क्या होता है? सेम. ओके तो उसके बाद दो क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए फटाफट. पहला क्वेश्चन अब थोड़े से नोटेशन में चेंज कर रहा हूं. हाँ बेटा एक मिनट. फाइंड द स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू 2 और अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x³ माइनस 8x² प्लस 5x माइनस 9. फाइंड द ग्रेडियंट. एट x इज इक्वल टू 1. चलो फटाफट दो क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए. दोनों में स्लोप मतलब क्या निकाला बेटा आपको? डेरिवेटिव. ग्रेडियंट मतलब क्या निकाला आपको? डेरिवेटिव. फर्स्ट फाइंड डेरिवेटिव, तीन वैल्यू क्या करनी है? पुट करनी है. बस नोटेशन पता ना आपको. सो वाई का क्या होता है?
dy by dx, वैसे f of x का क्या होता है, f dash x, कौन सा बेटा, हाँ 8x square है, yes, हो गया, हो गया, गुड, बोलो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आंसर क्या रहा बेटा, 30, सबका सेम आ रहा है, कितनों का आ चुका है, बढ़िया, किसका चल रहा है, ठीक है, किसका रुक गया है, सब कह रहा है, हाँ ठीक है, सिली मिस्टेक मत करो रे, ध्यान से करो, कौन सा बेटा, नहीं क्वेश्चन वन की बात करें बेटा, गिनने का मतलब नहीं समझा मुझे, क्या बोल रहे हो, देखो जो डेरिवेटिव निकालोगे ना, देखिए एफ ऑफ एक्स का बेटा एफ डैश एक्स होता है, नोटेशन है, यस, ये आपने क्या रहेगा, फाइव कॉन्स्टेंट है, उसको रखो एज इट इज, आप बताइए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, दैट्स एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, खेल खत्म, ओके, फिर 10 को रखा आपने एज इट इज, समझ में आ रहा है, x का क्या हो गया 1 और 8 का क्या हो गया 0, अब बोलो क्या डाउट है आपका, कौन सा बोल रहे बेटा, ये वाला 2 बोल रहे ना, पहले सिंप्लीफाई करना बेटा, पहले सिंप्लीफाई कर, क्या होगा 2 इंटू 5 क्या हो गया 10x, ओके, फिर 10 इंटू 1 क्या हो गया 10, 0 को इग्नोर कर दें, पहले निकाला डेरिवेटिव, फिर इसमें x के बदले आपको 2 पुट करना है, डेरिवेटिव निकाला, फिर पुट x इज इक्वल टू 2, अब x को 2 रखा, 10 इंटू 2 कितना आता है 20, प्लस 10 कितना हो गया 30, समझे, गलती समझ आ रहा है आपको, हाँ चलो बाकी से सेकंड क्वेश्चन आ रहा है बेटा, सेकंड में क्या रहा है, जीरो आ रहा है, टेन आ रहा है, अमृत देख ले बेटा, सबका टेन आ रहा है क्या, कितनों का टेन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा बेटा, एक बार चेक कर लो क्या आ रहा है, देखो भाई डेरिवेटिव चेक करो पहले, 7 एज इट इज एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर सही है क्या, 8 एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x आ रहा है क्या, 5 एक्स का 1 और 9 का 0 क्या है, या 9 का 9 लिखा है 0, ओके, अब आगे चेक करो पहले सिंप्लीफाई, क्या हो गया 3 इंटू 7 21x स्क्वायर, 2 इंटू 8 16x प्लस 5, ये भी सही क्या है, अब वैल्यू पुट करो x के बदले क्या रखना है 1, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू 21 21, 16 इंटू 1 कितना आ रहा है 16, आगे बेटा प्लस 5 है, आपने शायद से माइनस 5 लिया होगा, 21 माइनस 16 5, और 5 और 5 10 होता है, 0 नहीं होता है, सबको समझ में आ रहा है, चलो इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, बढ़िया, तो आज के लिए यही प्रकू चलेगा, चलो बाकी पढ़ कल पढ़ेंगे, टाटा बाय बाय, बस आज के सभी फंडे सबको समझे ना आपको, कोई दिक्कत नहीं ना।